सागर शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। घटना से नाराज परिजन अर्थी को लेकर मोतीनगर चौराहे पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, वहीं इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों में CSP भी मौके पर पहुंच गई थी। जिन्होंने सड़क पर बैठे लोगों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की। बता दें कि ये घटना मड़खेरे गांव की है, जहां एक युवती ने सुबह सुबह अपनी मां को और अपने भाई को किस्त भरने के नाम पर घर से बाहर भेज दिया था। कुछ समय के बाद जब उनकी मां और बेटा घर वापस लौटे तो देखा कि युवती ने गलत कदम उठा लिया है, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। युवती के परिजनों का आरोप है कि दो दिन पहले एक लड़के ने गलत कदम उठा लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। उसके परिजनों के द्वारा इनके साथ मारपीट की जा रही थी, लेकिन जब ये शिकायत करने आए थे तो पुलिस के द्वारा इनकी सुनवाई नहीं की गई थी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि लड़के के द्वारा उठाए गए कदम की वजह से लड़की दबाव में थी। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं उन लोगों को झूठा ना फंसा दिया जाए, जिसके चलते हो सकता है युवती ने ऐसा कदम उठा लिया। वहीं करीब एक घंटे तक चले जाम के बाद पुलिस के द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई, उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद यह जाम हटा और सुचारू रूप से यातायात चालू किया गया। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में मर्ग कायम कर मामले को जाँच में लिया गया है। PM रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस लड़की ने दो दिन पहले जान दी थी और आज जिस लड़की ने ऐसा किया है, इन दोनों के बीच बातचीत होती थी, इसी के चलते आज युवती ने ये कदम उठा लिया है। जैसे कि देखने में आया, उन्होंने आरोप लगाया कि FIR दर्ज नहीं हो रही थी और पुलिस के लिए आरोप लगाए जा रहे थे मोतीनगर थाने में। क्या मामला था? जांच की जाएगी इसकी, जो वरिष्ठों से हमें इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हो जाएंगे इसके आधार पर। हम गए थे किस्त भरने, वो कहीं एक दिन पहले एक लड़का कट के मारो तो हमारे पड़ोसी ने फोन लगाओ, घर में 5-6 दिन हमारे घर में आए, हमारे को बस के मार गए, हम रिपोर्ट करने आए, हमारी सुनाई नहीं भाई। मैडम कह रही भाई मैडम आए, सर कह रहा बाहर निकलो, घरे जाओ, बाहर बैठो, हमारी कोई सुनाई नहीं भाई। हमने कही हमारे का मर जाएगा होते, हमारी सुनाई करो मैडम। बाद में रिपोर्ट लिखी गई, वो है अनिल वकील, वो पुलिस वालों से मिल के कहा लिखवा दो, कहा करवा दो, हमारे आदमी को झूठो भेदवा दो, कुछ धमकी दे रहा साहब, हमारे रोटी खा रहे थे घरे, हमारे को घर में घुस के मरवाओ, हमें पड़ोस ने मारा है। सोनू सोनू छोटू हल्ले जित्तू और वो सेवा रोहन और आते मुझके जाने साहब, मुझके जाने हाथे में। अब हमारे लोग लोगाई क्या करते हैं, हम अब आए जे हम भाग दौड़ नहीं पाए, वो दौड़ तब लाइट गोल कर गई, वो हमारे कुटमी गए थे रिपोर्ट को आए, मैडम कह रही होते जाओ, सर कह रहे होते जाओ, हम लूले लगड़े आदमी कहाँ फिरते। लड़ाई हुई थी तो उन लोगों ने बाजू वालों ने भी साथ दिया, उनका मतलब साथ दिया, तो जे लोग घर पर थे हमारी भनेजन, हमारा मतलब नंदेव और नंद घर पे थे और दो बच्चे हैं छोटे छोटे, वे बाहर घूमने गए थे, तो इन लोगों ने मारपीट की उनके साथ, मारपीट करके ये लोग चले गए। तो हमें मतलब ये लोग यहाँ रिपोर्ट करने आए, हमारे बहने जन हमारी नंद भाई, तो इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, भगा दिया, और वे लोग आए तो उनकी सुन ली। और आज क्या नाम है? उनका नाम हमें नहीं मालूम, हम उनकी आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह यह हुआ है कि हमारी नंद भाई किस्त भरने गई थी तो घर पे कोई नहीं था, लड़की अकेली थी, पानी भरा उसने साथ में, पानी भर के नहाया, उसने बाल भी अपने बनाए,
तो वो कहने लगी मम्मी आज बुधवार है आप किस्त भर यार। वो किस्त भरने चली गई, आज तो मंगलवार है, पर उन्हें मालूम नहीं था तो वे किस्त भरने गई। तो लड़की घर में थी, बाहर से इन लोगों ने मतलब कुंडी लगाई अथवा नहीं लगाई, तो लड़की ने अंदर से दरवाजे लगाए नहीं लगाए, अंदर थी तो लड़की को मतलब मार के। वो हमारे घर किस्त भरने आई थी हमारी बहन और बहन का मोड़ा दो जने, एक 7 बजे की बात है, 7 बजे वो जैसी किस्त दे के गई वो घर पे लड़की को देखा तो लड़की पहले मारा था उन लोगों ने, जिसके खिलाफ हम लोग हैं उसका भाई रेलगाड़ी में कट गया था, वो बीमार था, उसको बीमारी हुई थी टीवी वगैरह, वो कट के मर गया।